के द्वारा जनमत के द्वारा हम सभी भारतीय जनता पार्टी हमने भगवान के संगठन यहाँ के नौजवानों को रोजगार दे सके, माताओं और बहनों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर सके और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी दे सके। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ हुआ है। यही पिपराई विधानसभा क्षेत्र का गांव औरंगाबाद है जिसमें टेवा कोटा के कार्य को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक पहचान दिलाई है। पिपराई क्षेत्र के नागरिकों को, यहां के मतदाताओं को गौरवान्वित होना चाहिए। हम उसके विकास और उसकी ब्रांडिंग के लिए एक नई तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इन नौजवानों के रोजगार और नौकरी के लिए ढेर सारे अवसर लेकर के आ रहे हैं। पिपराई चीनी मिल समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों ने बेच डाली थी। वे बेचते थे, कांग्रेस बंद करवाती थी, हम लोग खुलवाने के लिए आए हैं, चलवाने के लिए आए हैं, नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाएं, इसी सबसे के साथ तो हम लोगों ने कराया था। आप अनुमान करेंगे 4,28,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ। 4,28,000 करोड़ एक बड़ी राशि होती है। 4,28,000 करोड़ रुपए का मतलब आज के दिन पर अगर हम लोग चाहेंगे तो प्रदेश के हर जनपद के लिए, अगर आज के दिन पर हम लोग चाहेंगे तो 5 से लेकर 7,000 करोड़ रुपए प्रत्येक जनपद में आ सकती है। और एक जनपद में 5 से 7,000 करोड़ रुपए का मतलब आप जान रहे हैं कि प्राइस में जो चीनी मिल हम लोग लगा रहे हैं, इस चीनी मिल की कुल कीमत है 407 करोड़ रुपया। यानी एक चीनी पिपराई जैसी चीनी मिलों के साथ अगर आप चाहेंगे तो यहां पर ऐसी ऐसी कम से कम 12 से 15 मिले एक एक जनपद में लग सकती है, कितना निवेश हो सकता है। लेकिन उस निवेश के लोगों को तैयार होना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो सबसे पहले।